तो जी ये है गोविंद घाट, ये गुरुद्वारा पांवटा साहिब जी के जस्ट पीछे है और इसमें जो पानी आता है वो यमुना नदी का पानी आता है और अगर डैम पे पानी ज़्यादा हो तो वो आई थिंक इसमें पानी छोड़ देते होंगे। नॉर्मली ये इतना ही रहता है, इसमें पानी ज़्यादा नहीं होता कभी भी। हाँ जी, तो मैंने ये एक पत्थर निकाला है गोविंद घाट पे से नदी में से। अभी तो नदी में पानी बहुत कम है पर है, अब जब बारिश आती होगी तो काफ़ी ज़्यादा पानी रहता होगा इसमें। तो ये गुरुद्वारे से घाट पे आने वाली सीढ़ियाँ हैं जो अभी बन रही हैं, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है यहाँ पे। ये है निशान साहिब जी जो आपको सब गुरुद्वारों में मिल जाएगा। यह है गुरुद्वारे का एक स्केल मॉडल, गुरुद्वारा रेनोवेशन के बाद जब पूरा हो जाएगा तब वो ऐसा दिखने वाला है। अभी यहाँ पे रेनोवेशन काम चल रहा है। मैंने जो वैसे आपको एक स्टोन दिखाया था ना, एक्चुअली मैं एक नहीं दो स्टोन लाया हूँ, तो फ्यूचर में जब भी एक्वेरियम की वीडियो आएगी आपको दोनों स्टोन दिखेंगे उसमें। तो अभी हम जा रहे हैं वापस और ये एक सूखी नदी, मतलब पांवटा साहिब जी में आती है नदी, सूखी तो नहीं कहूँगा, पानी है इसमें काफ़ी, बट काफ़ी के नाम पे बस नॉर्मल सा है, जैसे कि इतने बड़े से बीच में थोड़ी सी नाली बह रही है ऐसा पानी हो रहा है। तो पानी बहुत कम है यहाँ पर, कई कई जगह पे ऐसा खुला हो जाता है तो वहाँ पे पानी ज़्यादा हो जाता है। तो अभी हम पांवटा साहिब से वापस जा रहे हैं और बीच में एक बहुत अच्छा डैम था, अभी हम वहाँ रुके हैं, आपको दिखाते हैं सब कुछ। हाँ जी, तो यहाँ पे है एक बड़ा ही प्यारा सा डैम, देख सकते हो पानी इस तरफ बहुत कम है। जल्दी हम रोड के उस साइड हो जाएंगे तो आपको दिखाते हैं पानी। जैसे आप हमारा ब्लॉग देख रहे हो तो हम आए हैं हिमाचल प्रदेश में और ये आपके साथ यहाँ पे जो बह रही है वो है यमुना नदी। यहाँ से पास होते होते हम लोग जाते हैं पांवटा साहिब के लिए। अब हम वापसी जा रहे हैं देहरादून, देहरादून में हमारा घर है और हद की बात है। और भाई मैं देख के आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता था यमुना है, मैंने जस्ट अभी मैप पे चेक किया है कि यमुना है यहाँ पे, यमुना ऐसी दिखती है। और दिल्ली पहुँचते पहुँचते यमुना का हाल पता नहीं कैसा ही हो जाता है, यही समझ नहीं आता हमें। तो देख लो दिल्ली वालों, कुछ तो शर्म कर लो, यमुना पे हमारी नदी है, इतनी मतलब पवित्र नदियों में से एक है और फिर भी उस पर इतना रहम नहीं है भाई, सारी फैक्ट्रियों का पानी वानी उसमें डाल देते हैं। यहाँ पे यमुना इतनी साफ है, मैंने देखा भी रास्ते में बच्चे, मतलब जो ब्रिज आते हैं ना बीच में छोटे छोटे भी क्रॉस करने के लिए होते हैं, बच्चे उसमें से कूद कूद के भी नहाते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे आगे। हाँ, और जबकि दिल्ली में बंदा खुद से भी घुसने की नहीं सोचेगा यमुना के अंदर, ऐसा पानी हो रखा है। और ये बहुत छोटी नहीं, बहुत ही ज़्यादा बड़ी नदी है। ऐसा लग रहा है जैसे नदी ऐसे नीचे आके ऊपर जा रही है और जब हम उधर से आ रहे थे तब ऐसा लग रहा था जैसे इधर से नदी ऊपर जा रही है। और देखो बिल्कुल सरफेस प्लेन है।
ये यहाँ पे आपको जितना भी दिख रहा है, मतलब ज्यादा पानी दिख रहा है पूरे एरिया में, ये सारा ही यमुना नदी का पार्ट है। ये एज अम्यूजमेंट एरिया भी यूज होता है, इसके अंदर बोट्स वगैरह भी चलती हैं, तो राइड्स के पैसे ऐसे लगते हैं आई थिंक। हाँ मैं जानता हूँ वीडियो काफी ज्यादा लेट है, पर उसके लिए आई एम सॉरी, मैं काफी बिजी था। जिसने वीडियो यहाँ तक देखी हुई आपका बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।